दिल्ली से ये बड़ी खबर, एक परिवार के चार लोगों की हत्या से दिल्ली दहल गई है। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे घर के लड़के का हाथ ही बताया जा रहा है। लड़के पर पिता, दादी और दो बहनों की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु से और जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, अपने ही परिवार के सदस्यों का इस तरह से कत्ल कर दिया, क्या वजह आखिर? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आरोपी है वो नशे का आदी है और अभी कुछ दिन पहले ही वो डी एडिक्शन सेंटर से बाहर आया था, घर पे आया था और शायद घर के अंदर ही बात पर लेकर झगड़ा शुरू हुआ जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस को जो PCR कॉल मिली है वो बीती रात 10:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी मिली और जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है तो आरोपी ने न तो भागने की कोशिश की और न ही वो कहीं पे छिपा, बल्कि वो घर पे ही बैठा था और वहीं पुलिस ने उसको पहले डिटेन किया और फिर उसके बाद इसको गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है उस वक्त जो और लोग मौजूद थे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। शुक्रिया हिमांशु जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाइएगा, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेंगे।